नमस्कार, कैसे हैं आप और आपका परिवार। मैं दीपराम महावर, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। सबसे पहले आप सभी का जो हमारा जो घर का बगीचा है इसमें हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर एक वीडियो बनाने जा रहे हैं। आप सबको पता है कि हमारा जो देश है वो पर्वों का देश है, त्योहारों का देश है। तो इसमें अभी कुछ दिनों बाद जैसे दशहरा आने वाला है, दीपावली आने वाली है, तो दीपावली पे जो मोस्ट ऑफ द पीपल, ज़्यादातर जो लोग हैं वो अपने घरों की सफाई करते हैं। तो जो बहुत सारे आइटम्स घरों में निकलते हैं, जैसे पुराने कपड़े हैं, जूते, चप्पल, और जो बच्चे हैं उनके बैग भी निकलते हैं, कॉपी, पेंसिल, बहुत सारे। लेकिन वो हमारे लिए अनुपयोगी हैं, वो हमारे लिए अनुपयोगी हैं, लेकिन हो सकता है जो जो गरीब हैं या ज़रूरतमंद जो लोग हैं उनके जीवन में वो खुशियाँ ला सकते हैं, उनकी लाइफ को मतलब बेटर बना सकते हैं, जिसको हम कहते हैं कि जॉय ऑफ गिविंग। कहने का मतलब देने का सुख। हम पहले भी इस पर एक वीडियो बना चुके हैं। तो देने का सुख के अंदर ये हमारे जो बड़े बड़े जो महाग्रंथ हैं या दुनिया के किसी भी हम धर्म के अंदर हम यदि हम देखें तो जो देने का सुख है उससे हमें भी उससे एक खुशी मिलेगी, हमें एक आत्मिक संतुष्टि मिलेगी, और जिसको हम दे रहे हैं वो और उसके जीवन में भी मतलब कुछ न कुछ परिवर्तन जरूर आएगा। तो मैं सभी से ये हाथ जोड़ कर ये निवेदन करूँगा कि अभी कई लोगों ने हो सकता है कि दीपावली की सफाई मतलब चालू कर दी हो, या हो सकता है कुछ लोग कुछ दिन बाद मतलब चालू करें। तो आपके घरों में जो भी जो वस्तुएं हैं, जैसे मान लो पुराने कपड़े हैं जो कि वो आपके लिए अनुपयोगी हैं, मान लो जूते हैं, चप्पल हैं और बच्चों के जो बैग्स हैं, तो आप हमारे जो हमारा जो NGO है सेव अवर अर्थ फाउंडेशन, इसको आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। हम क्या काम कर रहे हैं और किस किस फील्ड में हम काम कर रहे हैं, तो आप उसमें हमें आप उनको डोनेट कर सकते हैं। तो इसमें यह क्या है कि आप हमें जहाँ भी आप बुलाएंगे वहाँ पर हम उसको सामान को हम मतलब कलेक्ट कर लेंगे उसको, या आप आपको हम बता देंगे कि आपको कहाँ पर उसको देना है। तो ये दिवाली का पर्व है और ये दीपों का त्यौहार है जो हमारे देश के अंदर एक बहुत बड़े लेवल पर मनाया जाता है। तो आप हम उसको इसलिए मनाते हैं कि हमारे जीवन में मतलब खुशियाँ आए, तो हम भी किसी न किसी माध्यम से जो ज़रूरतमंद जो गरीब लोग हैं उनके जीवन में हम खुशियाँ दे सकते हैं। तो आपके घरों में जो भी वस्तुएं जो मतलब एज ए जिसको हम कबाड़ मान सकते हैं, जैसे कई घरों में क्या है कि जो पुराने जो अखबार हैं, अब आप कहेंगे कि भाई पुराने अखबार का हम क्या करेंगे, लेकिन जो पुराने अखबार जो मान लो 10 किलो है, 20 किलो है, 40 किलो है, तो उसको आप यदि बेचकर उससे जो एक छोटा सा अमाउंट जो मिलेगा उससे आप हमें बच्चों के बैग, पेंसिल जो भी है आप हमें उनको खरीद कर दे सकते हैं। हम हमेशा अपने जब कभी भी हम अपने NGO के बारे में बात करते हैं तो हम किसी से भी ये नहीं कहते कि आप हमें पैसा दीजिए, मनी दीजिए, हम ये कहते हैं केवल कि आप हमें कोई भी जो जो यूजेबल जो चीज़ है वो आपके लिए अनुपयोगी हो सकती है। आज हम बहुत सारे घरों में हम देखते हैं 100-100, 200-200, 300-300 साड़ियाँ हैं, सैकड़ों की तादाद में पेंट शर्ट हैं, बच्चों के पास भी बहुत सारे कपड़े हैं, तो आप उनको अभी हम पिछले कई सालों में बहुत सारे जो आप जैसे लोगों ने बहुत सारी वस्तुएं हमें दी हैं जो कि हम ज़रूरतमंद लोगों तक उनको हम पहुंचा चुके हैं। तो हम आप भी इस देखिए हमने एक NGO के हमारा जो NGO है उसमें हमने एक मुहिम चलाई है, मुहिम एक वस्तु महाभियान। मुहिम एक वस्तु महाभियान का मतलब है कि आप कोई भी एक वस्तु आप दे सकते हैं। जैसे मान लो आपके पास में कोई एक जोड़ा मतलब पेंट शर्ट है या एक साड़ी है, आप एक पेंसिल भी दे सकते हैं, पेन भी दे सकते हैं, एक बैग भी दे सकते हैं, और आप चाहें तो ज़्यादा भी दे सकते हैं। तो उसमें हम तो कहते हैं कि आप 1 रुपये भी आप डोनेट कर सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास में एक उज्जैन से फ़ोन आया था कि सर जी आप मुहिम एक वस्तु महाभियान आपने चलाया है तो आप 1 रुपये से क्या होगा। देखिए इसमें मान लो 100 लोग हैं वो 1-1 रुपये देंगे, मान लो तो 100 रुपये हो गए, और एक बच्चों जो छोटे जो बच्चे हैं उनकी जो किट है, स्टडी जो किट है जिसमें पेन, पेंसिल, कॉपी वगैरह हो सकती है, वो लगभग मतलब 25-30 रुपये की आ जाती है। तो 100 रुपये में हम जो गरीब और जरूरतमंद जो बच्चे हैं हम कम से कम 4 बच्चों के मतलब चेहरे पर हम मुस्कान ला सकते हैं। तो आज हमारा एक छोटा सा वीडियो ही था। तो इसमें जो दिवाली का जो महापर्व आ रहा है इसमें अधिकतर लोग मतलब अपने घरों की सफाई करेंगे, तो घरों की सफाई में आपको जो कुछ भी आपका सामान निकले वो जो कि उपयोगी हो सकता है दूसरों के लिए, आप उसे हम मतलब हमारे लिए मतलब हमारे जो NGO है उसको आप डोनेट कर सकते हैं, जिससे कि आपके माध्यम से हो सकता है कि दिवाली जैसा जैसा जो महापर्व है उसके माध्यम से आप भी मतलब माध्यम बन सकते हैं किसी ज़रूरतमंद और गरीब के चेहरे पर मुस्कान लाने में या उसके जीवन में खुशियाँ लाने से। हम हमेशा ही लगभग हर वीडियो में हम कहते हैं कि स्मॉल चेंजेस बिकम बिग चेंजेस, और हम ये भी कहते हैं कि एवरीवन कैन नॉट डू एवरीथिंग बट एवरीवन कैन डू समथिंग। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे
तो हमने इस वीडियो के माध्यम से एक छोटा सा संदेश यही देने की कोशिश की, हम बार बार यही करें कि दिवाली जैसे जो महापर्व है वो हम सबके जीवन में खुशियाँ लेकर आता है, तो हम भी किसी न किसी वे में जो जरूरतमंद जो गरीब लोग हैं उनके जीवन में हम खुशी लाने का मतलब प्रयास करें, और जो जॉय ऑफ गिविंग जो देने का सुख है उसका हम लाभ उठाएं। और हम हमारे हर वीडियो में हम कहते हैं कि हमने एक बुक भी बनाई जिसको आप देख सकते हैं, ये मोटिवेशन बुक है, ये बुक मतलब आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क उपयोगी है, मतलब निःशुल्क उपलब्ध है। तो ये क्या है कि विशेषकर विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है, इसमें पढ़ने के तरीके मतलब किस तरीके से बच्चों को पढ़ाई करनी है कैसे मतलब उसमें सब तरीके बता रखे हैं। इसमें एक वेबसाइट भी दे रखी है सेव अवर अर्थ फाउंडेशन के नाम से, तो आप वहाँ से इसको एकदम निःशुल्क मतलब डाउनलोड कर सकते हैं। ये इसको हम पूरे देश भर में हज़ारों की तादाद में हम दे चुके हैं, तो आप भी इसका अधिक से अधिक लाभ उठाएं और दूसरों को मतलब इसको शेयर करें। अगेन लास्ट में हम आपसे यही कहने चाहेंगे कि दिवाली जैसा जो महापर्व है उस पर आपके पास में जो भी जो आपके लिए वो अनुपयोगी हो सकती हैं लेकिन दूसरों के लिए उपयोगी हो सकती है, उन वस्तुओं का हमारे जो एन जी ओ मुहिम एक वस्तु महाभियान के तहत आप भी उसका हिस्सा बनकर हमें डोनेट कर सकते हैं, जिससे कि हम जरूरतमंद लोगों को उसको पहुंचा देंगे। आपने इस वीडियो को देखा उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू।